नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। दिल्ली में बड़ी निगम चुनाव की सुगबुगाहट, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी हुआ तेज। लैंडफिल साइट के कूड़े की पहाड़ पर सियासत गरमाई। ओखला में गृह मंत्री अमित शाह ने बलसवाल लैंडफिल साइट पर पहुंचे। आप नेता दुर्गेश पाठक भाजपा पर लगाए गंभीर आरोप, कहा दिल्ली की जनता की नहीं बल्कि राजनीति चमकाने की है चिंता। ओखला में होने वाले उद्घाटन को बताया फर्जी। दिल्ली में कूड़े के पहाड़ पर नए सिरे से राजनीति शुरू हो चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के उद्घाटन की कवायद को आम आदमी पार्टी ने छलावा करार देते हुए राजधानी दिल्ली में सभी लैंडफिल साइट से फैलने वाले प्रदूषण के लिए सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार ठहराया है। दरअसल राजधानी दिल्ली में नगर निगम चुनावों की सुगबुगाहट तेज हो गई है, जिसको देखते हुए अब सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी सियासी रोटी सेकने का कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहती हैं। यही वजह है कि एक तरफ ओखला में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का उद्घाटन किया गया, तो वहीं कूड़े के पहाड़ पर सियासी आरोप लगाने के लिए भलसवाल लैंडफिल साइट पर आप नेता दुर्गेश पाठक ने प्रदर्शन किया, जहां सैकड़ों की संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी पहुंचे और जमकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नारेबाजी की गई। इसी भलसवाल लैंडफिल साइट पर पहले भी कई बार जनप्रतिनिधियों और मंत्रियों का दौरा हो चुका है और यहाँ नई नई योजनाओं को लाने के दावे भी किए गए, लेकिन वो दावे भलसवाल लैंडफिल साइट पर उड़ने वाली धूल की तरह हवा में ही धूमिल हो गए। अब आम आदमी पार्टी आगामी नगर निगम चुनाव में दिल्ली के लैंडफिल साइट को एक बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में नजर आ रही है। यही वजह है कि कुछ दिनों पहले भी भलसवाल लैंडफिल साइट पर ही आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक पहुंचे थे और अब जब ओखला लैंडफिल साइट पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का उद्घाटन किया जा रहा है, तो फिर आप नेता दुर्गेश पाठक भलसवाल लैंडफिल साइट पहुंचे, जहां उन्होंने आरोप लगाया कि भलसवाल लैंडफिल साइट के आसपास रहने वाले लोग जिस तरीके का नारकीय जीवन जी रहे हैं उसके लिए सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि नगर निगम द्वारा एक लैंडफिल साइट की शुरुआत की गई थी, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने इतना विशाल बना दिया कि अब आसपास के कई किलोमीटर में लोगों को सांस लेना तक मुश्किल हो रहा है और इसकी वजह से दिल्ली में तेजी से प्रदूषण भी बढ़ रहा है। आज भाजपा द्वारा ओखला में किया जा रहा उद्घाटन फर्जी है और आने वाले समय में इससे जनता को कोई फायदा नहीं होगा। कुल मिलाकर आज एक ही दिन में एक तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ओखला लैंडफिल साइट पहुंचे, तो वहीं दूसरी तरफ आप नेता दुर्गेश पाठक सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ भलसवाल लैंडफिल साइट पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए नजर आए। इससे ये तो साफ जाहिर होता है कि आने वाले दिल्ली के नगर निगम चुनाव में लैंडफिल साइट जैसे कूड़े के पहाड़ों की अहम भूमिका रहने वाली है। अब इससे जनता को कुछ लाभ होगा या नहीं, लैंडफिल साइट कूड़े के पहाड़ को कम किया जाएगा या नहीं और इससे फैलने वाले प्रदूषण में कुछ कमी आएगी या नहीं, ये तो आगामी वक्त ही साफ कर पाएगा। दिल्ली से न्यूज 9 भारत के लिए संजय सिंह। देखिए, अभी जब जब चुनाव होते हैं तब तब भाजपा कुछ ना कुछ इस तरह से हरकत करती है अपनी कि एमसीडी में जो ध्यान भटके और द्वार से लोग एमसीडी में बीजेपी को सपोर्ट करें। अब इनको कूड़े के पहाड़ की याद आई है, जबकि ये कूड़े के पहाड़ पिछले 20 साल से अस्तित्व में हैं और ये पहाड़ लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन भाजपा के अमित शाह जी को अब वो कूड़े से गैस बनाने का जो इनका कुछ प्लांट का उद्घाटन बात कर रहे हैं, हम इसका विरोध करने के लिए आए हैं कि आप पिछले टाइम से तो कभी आपने कूड़े के पहाड़ की सुध दे ली और अब जब चुनाव आ गए हैं तब आप इस तरह से गैस का जो आप कूड़े से गैस बनाने का जो उद्घाटन कर रहे हैं वो कर रहे हैं, आप पहले से इसका कुछ करते तो शायद कुछ आज ये कूड़े के पहाड़ कम हो पाते। अच्छा, बिल्कुल जी, सबसे पहले ये जो कूड़े के पहाड़ है सबसे हमारी प्राथमिकता रहेगी। अगर हम एमसीडी में सत्ता में आते हैं तो हमारी प्राथमिकता रहेगी, हम 6 महीने में कुछ ना कुछ ऐसा एक रोड प्लान तैयार करेंगे जिससे ये इसका निपटारा हो जाए और 1 साल में हमारा प्लान रहेगा कि हम इसको पूरा निपटारा कर दें। देखिए, ये तो कूड़े के पहाड़ पर पिछली बार भी हम आए थे तो उन्होंने हमें आगे नहीं आ दिया था और आज भी इनकी प्लानिंग है, जब जब ये लगता है इनको कि हम लोग इस तरह से कुछ अपना प्रदर्शन करेंगे कुछ करेंगे, पुलिस को हमेशा आगे कर देते हैं कि हमेशा पॉलिसी रही है, लेकिन हम अपना यहाँ पर अमित शाह का जो आज वो गार्डन कर रहे हैं गैस प्लांट का, हम उसके लिए आए कि आप केवल चुनाव के समय ही आपको इस तरह से क्यों याद आता है। हमने आज तक हमेशा जो भी है कानून का पालन किया है और हमारे जितने भी प्रदर्शन रहे वो शांतिपूर्वक ही रहे, हम शांतिपूर्वक ही प्रदर्शन करेंगे और साथ में अपना विरोध दर्ज भी कराएंगे, जो एमसीडी नाकाम है भाजपा उसमें उसका हम विरोध भी दर्ज कराएंगे। अजय जी, पहले भी आप लोग यहाँ पर कई बार आए हैं और आज भी इसी मुद्दे को लेकर के आ रहे हैं, क्या लगता है कि
अब कूड़े के पहाड़ को लेकर के सियासत कहीं ना कहीं हो रही है, आज अमित शाह वहाँ पहुँच रहे हैं। नहीं देखिए, सियासत की बात नहीं है, आप देखिए हमारा जो क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र में कितने लोग इस कूड़े के पहाड़ के नीचे घर भी हैं। कई बार ये कूड़े का पहाड़ जो है ये दरक के नीचे भी चला गया, अक्सर इसमें आग लगती है। आप देखिए उनके स्वास्थ्य की क्या हालत है। मेरे ख्याल से करीब 80% लोग जब पीछे चेकअप हुआ उनको टीबी की शिकायत है। तो ये एक जहर जो यहाँ दिल्ली के अंदर हमारे सिर के ऊपर ये खड़ा कर रखा है कूड़े का पहाड़, ये पूरा जहर है। और जब इसके लिए हमने खूब आंदोलन किया, एलजी साहब से भी मिले, होम मिनिस्ट्री में भी लिखा, क्योंकि ये केंद्र सरकार के अधीन जो एमसीडी थी उसी ने इसको कूड़े के पहाड़ को बनाया, किसी के कान पे जू नहीं रहेंगे। आज जब एमसीडी के चुनाव का ऐलान हो गया तो जैसी इनकी आदत है दोबारा से ये फिर जो है एक नकली उद्घाटन करने के लिए ओखला में आ रहे हैं, जबकि सच्चाई है ये 16 और दिल्ली में ऐसे पहाड़ बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो दिल्ली की जनता इनको सबक सिखा। एक प्लांट पे तो एनर्जी प्लांट का उद्घाटन हो जाएगा, हर एजेंसियां चिंता कर रही है प्रदूषण के लिए। इन्होंने दिल्ली की जनता के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया है, ये दिल्ली की जनता के साथ बदला ले रहे हैं कि दिल्ली की जनता ने एक ऐसे अच्छे मुख्यमंत्री को चुना है, तो इनको दिल्ली की जनता से बैर एक तरीके से ये दिखा रहे हैं, लेकिन दिल्ली की जनता इनको सबक सिखाने के लिए तैयार है। ठीक ठीक, कूड़े को लेकर सियासत होगी क्या कहीं है? अमित शाह बोलते हैं यहाँ आप आए और पहले भी आ चुके हैं आप। बिल्कुल होनी चाहिए, कूड़े के ऊपर ही सियासत होनी चाहिए, किसी और मुद्दे के बजाय जो जनता को डायरेक्ट हिट करता है मुद्दा, वो मुद्दा कूड़ा है। मुझे पता है आप सारे लोग यहीं पे रहते हैं, आप इसके अगल बगल में रहते हैं, मैं आपका चेहरा भी वाकिफ हूँ और आपसे कई बार मिला भी हूँ, और आप लोग ही मुझे बताते हैं जब ये कैमरा ऊपर जाता है कि कितना आप परेशान हैं इस कूड़े से। तो बिल्कुल इसकी राजनीति होनी चाहिए कूड़े पे, और ये होना चाहिए कि कूड़े के पहाड़ साफ होने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई और इसी तरह के और 16 कूड़े के पहाड़ों बनाने के प्लान में हम साफ करेंगे इसे। एक विकल्प उन्होंने दिया है कि आज जो उद्घाटन कर रहे हैं उससे एनर्जी निकलेगी, लेकिन क्या आपके पास विकल्प है कुछ? आम आदमी पार्टी का इस तरह के उद्घाटन कम से कम 50 बार हो चुके हैं, यहाँ भी इस तरह के 4-5 बार खाद बनाने का और गैस बनाने का प्लांट लग चुका है, उसका कोई फायदा नहीं, पैसा कमाने का तरीका है। अभी वो बीजेपी वाले सारा पैसा अभी साथ जैसे निकलेंगे वो ठेकेदार को बुला के सारी सेटिंग करके खत्म हो जाएगा सारा पैसा, सारा खाद और गैस और सब पैसे में चला जाएगा। ये चोर है, एक नंबर इनके बस की नहीं है। आम आदमी पार्टी के पास क्या प्लान है इसको लेकर, क्या योजना है? देखिए दिल्ली के अलावा चेन्नई में, भोपाल में, देश के बहुत सारे भागों में कूड़े साफ किए गए, कूड़े के पहाड़ साफ किए, उनसे सीखेंगे, पूरे देश से सीखेंगे, कहीं जिस भी देश ने, पूरी दुनिया के अंदर किसी भी देश ने अच्छा काम किया उससे सीखेंगे। चुनाव का जब डिक्लेयर हो गया है कि दिल्ली में एमसीडी चुनाव होगा, उसी के मद्देनजर एक बार फिर दिल्ली की जनता को ठगने के लिए, एक नकली उद्घाटन करने के लिए माननीय गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी दिल्ली में आ रहे हैं, तो हम उनको बताते हैं कि आप तो 16 और कूड़े के पहाड़ दिल्ली में बनाने जा रहे हो, तो दिल्ली की जनता को बेवकूफ मत समझो, दिल्ली की जनता निगम। हम सारे लोग यहाँ सिर्फ इसलिए आए हैं कि आज माननीय अमित शाह जी ओखला में एक फर्जी उद्घाटन करने आए हैं। हम सारे लोग दिल्ली के लोग हैं और हमारी पीड़ा ये है कि दिल्ली के अंदर पिछले 17 सालों से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में शासन कर रही है, और पिछले 17 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली को कूड़े का ढेर बना दिया है। हम सारे लोग सिर्फ यहाँ इसलिए आए हैं कि आज अपने माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध कर सकें कि वहाँ वो इस जगह पर आएं, हम उनको इस कूड़े का पहाड़ दिखाना चाहते हैं और उनको ये बताना चाहते हैं कि आपकी भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 15 साल में दिल्ली को कूड़ा कूड़ा कर दिया है। तो मैं पुलिस के साथियों से विनम्र अनुरोध करना चाहता हूँ कि एक बार, हम लोग दिल्ली के लोग हैं, दिल्ली के निवासी हैं, आप हमारा सहयोग करिए, आप लोग भी दिल्ली में रहते हैं और हम सबको पूरा यकीन है कि आप भी इस कूड़े के पहाड़ से परेशान होंगे। और यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में 16 और कूड़े के पहाड़ बनाने जा रही है। हम सारे साथी आपसे पुनः अनुरोध करते हैं कि आप लोग कृपया हम लोगों को ऊपर जाने दीजिए। इंस्पेक्टर साहब ऊपर जाके देखना ही है, सिर्फ यहाँ से नहीं दिख रहा, हम लोग चाह रहे हैं कि एक बार अमित शाह जी को भी दिखा दें। दोस्तों, जैसा आप सारे लोग जानते हो कि पुलिस भारतीय जनता पार्टी के आदेशों पर काम करती है, पुलिस की कोई गलती नहीं है, हम लोग इस चीज को जानते हैं, पर इनको जो निर्देश होता है ये उस पर काम करती है। तो आज हम सारे लोग जिस मकसद से आए हैं, मैं एमसीडी प्रभारी और दिल्ली के लोकप्रिय विधायक
भाई दुर्गेश पाठक जी से अनुरोध करूंगा कि एक बार हमारे लोकप्रिय विधायक, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक जो कूड़े के इस ढेर से सबसे ज्यादा परेशान है, कहीं पे दुर्गेश जी गैस प्लांट का उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं। मैं ये पूछना चाहूंगा, 27 सालों से आपकी सरकार है, दिल्ली के अंदर जगह जगह पोल्यूशन हो रहा है, यहाँ पे आसपास में लोग खड़े नहीं हो पा रहे, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, दमे की बीमारी हो रही है, लोगों को पोल्यूशन झेलना पड़ रहा है, धूल मट्टी उड़ रही है, तो आपके 27 सालों से आप लोगों की एमसीडी में सरकार रही, 27 सालों से आपने ऐसा काम क्यों नहीं किया? आपने कहा था कूड़े के पहाड़ खत्म कर देंगे, पर ये कूड़े के पहाड़ खत्म तो आप लोगों ने करे नहीं, पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, इससे लोगों को बीमारी होती जा रही है और बहुत सारी दिक्कतें भी बढ़ रही है। पहले भी दुर्गेश पाठक आए, इस बार आने का क्या कारण? देखिए, हम यही चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर जो 3 कूड़े के पहाड़ है वो खत्म होने चाहिए, और हम इसका हमेशा विरोध करते आए, चाहे स्टैंडिंग कमेटी हो, चाहे हाउस हो, चाहे वार्ड कमेटी हो, में हमेशा विरोध करते रहे, और बीजेपी हमेशा कहती रही है कि हम इस कूड़े के पहाड़ को खत्म करेंगे, पर 27 सालों में खत्म करने में नाकाम रही है। आम आदमी पार्टी के बाद आम आदमी पार्टी से खत्म कर सकती है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करते हैं, और हमारे पास ऐसा प्लान है कि हम इस कूड़े के पहाड़ को बिल्कुल खत्म करेंगे, और दिल्ली की जनता ने इस बार ठाना है कि एमसीडी चुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी को लाना है, हम आते ही इस कूड़े के पहाड़ को खत्म करने सबसे पहले प्रयास करेंगे। कि हम अभी सरकार के अंदर नहीं है, अभी हम पावर के अंदर नहीं है, अभी जो भी काम होता है एलजी साहब डिसीजन लेते हैं, अभी दिल्ली के आला अधिकारी, आला जो भी नेता होते हैं वो सब कुछ करने वाले जो भी है वो एलजी साहब है, हर काम के अंदर टांग अड़ाने वाला है क्या एमसीडी? ये मुद्दा बिल्कुल रहेगा, क्योंकि इस कूड़े के पहाड़ से पोल्यूशन होता है और बहुत सारी गंदगी होती है, और ये मुद्दा रहेगा। सफाई का ही काम एमसीडी का होता है, एमसीडी सफाई नहीं करा पाएगी तो एमसीडी का काम क्या रहेगा? यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।